देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भमोरी से। ग्राम भमोरी में आई आवाज़ और जमीन हिलने की घटनाओं की खबर पर कलेक्टर अमित तोमर ने लिया संज्ञान। 1.6 दर्ज हुआ भूकंप, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सर, लगातार 9 अगस्त से अब तक जो है भूकंप की और भूगर्भी हलचल की घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, बंजर तहसील में 2-3 गांव ऐसे हैं जहां से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ भूगर्भी हलचल हो रही हैं, कंपन हो रहा है धरती में। तो हमारे आयुष अधिकारियों ने वहाँ विजिट किया है, लोगों से बातचीत की है, साथ ही साथ उनके प्रतिवेदन को हम लोगों ने पैक करके भोपाल जो है GSI को भेजा है। और खंडवा ज़िले में एक भूकंप वेधशाला है, वहाँ भी हम लोगों ने बात की है। तो आग्रह ये किया है हम लोगों कि वहाँ से कोई टीम आ जाए और यहाँ पर जहाँ जहाँ पर इस प्रकार की जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं वहाँ विज़िट करें, और उसके पश्चात चूँकि वो विशेषज्ञ हैं तो जो भी उनका आकलन होता है हम लोग उस पर आगे देखेंगे क्या हो सकता है। आज जो है 19 अगस्त का हम लोगों ने रिकॉर्ड चेक कराया है तो सुबह 6 बजे के लगभग 1.6 रिक्टर स्केल पर कुछ दर्ज हुआ है जो उन्होंने मुझे दिखाया था। तो यही रिपोर्ट हम आज फिर पुनः भेज रहे हैं हम GSI भोपाल में, तो वहाँ ये अवगत करा रहे हैं और फिर वहाँ से जो कार्रवाई होती है देखेंगे। मैंने अभी जो नर्मदा नगर खंडवा ज़िले में वेधशाला है वहाँ भी बात हुई तो वहाँ दर्ज नहीं हुआ है, ये केवल लोकल पे ही दर्ज हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग वैसे गांव वालों से हम लोगों ने ये मैसेज कराया है गांव वालों को कि वो इसमें कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी जब टीम आएगी तो विस्तार से चर्चा करेगी। कलेक्टर ने की भूकंप की पुष्टि, आज सुबह 6 बजे भूकंप की तीव्रता की गई दर्ज, रिएक्टर स्केल पर 1.6 की तीव्रता की गई दर्ज। भोपाल और नर्मदा नगर के विशेषज्ञों की टीम बुलाने के लिए लिखा पत्र, भामोरी साकर टांडा राजीव गांधी नगर और बिलवा गांव में 9 दिनों से आ रहे हैं झटके। कलेक्टर ने ग्रामीणों से की अपील, दहशत में नहीं रहे, सतर्कता बरते। वही ग्राम भमोरी साकर आदि सभी प्रभावित गांवों में दहशत का माहौल है, बच्चे महिलाएं व पुरुष किसी अनहोनी के खौफ के साए में जिंदगी जी रहे हैं। रात के समय आवाजें और भूख भर भी हलचल के चलते रत जगा करते हैं। कई गरीब वर्ग के लोग तो घरों के बाहर खाना बनाकर खा रहे हैं तो कई बुजुर्ग घर के बाहर सोने को मजबूर है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। संवाददाता सतीश परिहार की रिपोर्ट। दादा, क्या चल रहा है, भूकंप की घटना है आपके गांव में, इस टाइप से जो आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है और भूकंप जैसा मालूम पड़ता है, झटके जैसा। अच्छा, आप कितने समय से यहाँ पूजा कर रहे हैं मंदिर में? 7-1 महीने हो गए। अच्छा, तो आपके हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से पहले कभी हुई थी इस तरीके की घटनाएं भमोरी गाँव में? भमोरी में तो नहीं हुई थी। अच्छा, ये पहली बार हो रही है? पहली बार। आप सुबह कितने बजे जग जाते हैं? 3:30 बजे। तो सुबह सुबह होती है इस टाइप की आवाज़ें? 4-1 बजे हुई थी आज भी। आज हुई थी? हाँ। मतलब बीती रात को सुबह से? हाँ। और शाम को हुई थी करीब 9-9:30। अच्छा, आज कुछ आई है दिन में इस तरीके की आवाज़ें? दिन में तो नहीं, सुनने में। क्या नाम आपका? अजय। कहाँ रहते हैं आप? भमोरी। क्या चल रहा है भूकंप के आपके गाँव में? भूकंप के बारे में ये झटके, ये ऐसे झटके आते हैं। हाँ। जैसे खाट माट कहीं भी हो तो कहीं हिल जाती। अच्छा, कितने दिनों से चल रहा है ऐसा? ये 8 रोज हो गए, 8-10 रोज। अच्छा। हाँ। तो आप क्या खुले में ही सो रहे हैं? हाँ, कि घर के अंदर? खुले में ही सो रहे हैं अभी तो। तो फिर पानी वगैरह में परेशानी भी होती होगी आप लोगों को? हाँ, होती है ना। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 5 सदस्य। अच्छा, फिर खाना वाना भी आश्रय में बनाते हैं कि बाहर ही बना रहे? ऐसे थोड़ा सा आश्रय है उसमें बनाते हैं। अच्छा, तो गांव में आपके जैसे जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके बीच में कैसा माहौल है अभी? उनके बीच में भी ऐसा ही माहौल है। क्या नाम जी आपका? लीला भाई। किस तरीके की घटनाएं चल रही है रात में यहाँ पे भूकंप की? भूकंप की एकदम से आवाज आती है, उसके बाद में सब धरती हिलती। अच्छा, तो अभी राखी के माहौल में सब रिश्तेदार भी आए थे तो कैसा अनुभव हुआ उनको, बाहर वालों को? भी अनुभव इतना हुआ कि वो तो एक रात रुक के सब चले गए। बोले यहाँ पर तो बहुत भूकंप का झटका आते,
हम तो हमारे घर शुरू से चले जाते हैं। तो आप कितने दिन से ऐसे ही बाहर होटलों पे बैठकर भूकंप आने और आवाजें आने का रास्ता देख रहे हैं? ये 8 रोज हो गए ऐसे ही बैठते हैं सब महिलाएं बाहर। सब ऐसे ही 1-2 बज जाती, उसके बाद सोते, बाद में और आ जाते। अच्छा, बच्चों का भी प्रभाव पड़ रहा है इस चीज का? हाँ, बच्चों भी भर नींद में उठ के बाहर भग जाते, तो आके खड़े हो जाते। कोई अधिकारी आए हैं आप लोगों से मिले थे, कुछ जानकारी दी उन लोगों ने? नहीं दी, कोई भी नहीं आया। हल्दा, क्या नाम बेटा आपका? लकी। कहाँ रहते हैं आप? ये बाहर क्यों बैठे हैं आप सब लोग? भूकंप की वजह से। ओ, डर लगता है भूकंप से? कितने दिन से आ रहा है भूकंप? 10 दिन से। 10 दिनों से? तो रात में भी आती है आवाजें? जोर से कि धीरे से? जोर से। स्कूल जाते हैं आप? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ। कहाँ पढ़ने जाते हैं? सरस्वती विद्यालय।